ओम शांति। अपने जीवन में सदा खुश कौन नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी, आनंद, शांति, प्रेम, ये सब कुछ ही तो चाहता है। और इस तलाश में हम जिंदगी भर भागते रहे, तब भगवान ने हमें अपना बना लिया और हमें सच्चे प्यार से, असीम प्राप्तियों से भरपूर कर दिया, हमारा जीवन निश्चिंत कर दिया। लेकिन भगवान का बनने के बाद हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। साधना के समय में भी और साधक के जीवन में सबसे बड़ी विकट परिस्थिति और सबसे बड़ा विघ्न जो हमारी खुशी को, हमारे समय, श्वास, संकल्प, धन सबको नष्ट कर देता है, वेस्ट कर देता है, वो है लगाव। लगाव किसी व्यक्ति से। अपनी दिनचर्या को चेक कर लें। हर व्यक्ति, हम या यूं कहें कि 90% से अधिक साधक और लोग किसी न किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े रहते हैं, और वो व्यक्ति ज़्यादातर अपोजिट जेंडर का होता है। अर्थात अगर कोई पुरुष है तो किसी न किसी महिला से जुड़ा रहता है, और अगर कोई महिला है तो किसी न किसी पुरुष से जुड़े रहना अच्छा लगता है उसको, उससे बातें करना, उससे चैट करना, उससे अपने मन की बातें शेयर करना, अपने जीवन के हर वृतांत को उसको सुनाना, और दिन में कई बार तो बार बार फोन करके ये पूछना कि आपने क्या खाया, क्या आपने रेस्ट कर ली, ये सब लगाव के रूप हैं। लगाव और बर्बाद दोनों शब्द बहुत मिलते हैं। जो आत्माएं भगवान का बनने के बाद भी लगाव में फंसी हैं, सोच लो कि उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। सोच लो, इस संसार में जब कोई व्यक्ति हमेशा हमारा साथ दे ही नहीं सकता और हम किसी का कुछ और कुछ समय के बाद बार बार बात करके हम अपना और दूसरों दोनों का ही नुकसान कर रहे हैं, दोनों की ही शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इंसान के साथ सदा से रिश्ते जोड़े, क्या मिला? बेबसी, दर्द। अब ये स्लोगन पक्का करो, भगवान के साथ ही रहना है, भगवान से ही बात करनी है। ये रॉयल बहाना नहीं दो कि उस व्यक्ति से बात करके हमें ईश्वरीय सेवाएं बढ़ानी हैं, या उस व्यक्ति से बात करके हमें कोई प्राप्ति होती है। लेकिन अब ये संकल्प करो कि हमें हर संकल्प से भगवान के कहे अनुसार ही चलना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। ओम शांति।